बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी अपनी अलग सफाई दे रही है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो इस वक्त अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ जी हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि बिजली की दरों को बढ़ाया जा रहा है और दिल्ली सरकार का तर्क है कि ये वृद्धि नहीं है, इस पर जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, बढ़ाया नहीं जा रहा है। 23 जून 2023 से दिल्ली में बिजली की दरों में 10% बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 11 जून 2022 को दिल्ली में 6% बिजली महंगी की, उससे पहले 16%, और आज कुल मिलाकर 32.60% बिजली जो है वह अरविंद केजरीवाल के शासन में महंगी की गई है। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को, जिनके पास घरेलू मीटर है, 8.5 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 14 रुपये से लेकर 18 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है, और जिनके पास घरेलू मीटर है उनको 125 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह फिक्स चार्ज के रूप में देना पड़ता है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 270 रुपये पर किलोवाट पर मंथ देना पड़ता है। बिजली कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती है या 700 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है, वह भी बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता है। इतनी महंगी बिजली देश के किसी राज्य में भी नहीं है जितनी महंगी बिजली दिल्ली के अंदर है। भाजपा विधायक दल ने फैसला किया है कल दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल के राजमहल के घर के बाहर दोपहर 2 बजे धरना लगाएंगे। उनसे जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं उनको वापस लेने की मांग करेंगे। दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और उसमें चर्चा कराई जाए, ये मांग भी भाजपा विधायक दल कल दिल्ली के मुख्यमंत्री से उनके निवास पर मिलकर करेगा। और यदि मुख्यमंत्री बढ़ाई हुई बिजली की दरों को वापस नहीं लेते हैं, भाजपा विधायक दल का आंदोलन विधानसभा के अंदर भी और बाहर जारी रहेगा। अच्छा जी, एक सवाल आपसे भी है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार का तर्क है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो प्लांट है उन पे दरों को बढ़ाया गया है, इस वजह से दिल्ली में जो बिजली है उसकी दर लगातार बढ़ रही है, ये धोखा है, ये छलावा है। अगर केंद्र सरकार की इस वजह से रेट बढ़ते तो देश में और भी 30 राज्य हैं, वहाँ भी ऐसी दिक्कतें आनी चाहिए थी। इस वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये तो एक धूल झोंकने वाली बात है आंखों में। दिल्ली की जनता को ठगा जा रहा है, दिल्ली की जनता के लिए जो कहा जा रहा है। जब इन्होंने सब्सिडी के नाम पर ये दिल्ली में आए सत्ता में और 200 यूनिट सब्सिडी जो देनी थी सबको, उसके लिए भी इन्होंने पलटी मार दी और ये कहने लगे कि सब्सिडी उनको देंगे जो सब्सिडी मांगेंगे, जो फॉर्म भरेंगे, और वो भी 5 साल नहीं, प्रत्येक साल, यानी कि उनको भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं ये सरकार। इसलिए ये झूठ बोलते हैं। ये तीसरी बार इन्होंने रेट बढ़ाया है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में भी जाएगा और मुख्यमंत्री को भी चेतावनी देने कल 2 बजे हम लोग उनके शीश महल या राजमहल जो भी कहें उसमें जाएंगे और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली बिजली विभाग के लिए, ये हमारी मांग है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है कि कल दोपहर 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सोगी चिराग के साथ के समन मिश्रा, JK24 7 न्यूज दिल्ली।